मेरे प्यारे बच्चों, मेरी और इस समाज के भविष्य की नैया पार लगाने वाले युवाओं, अब सभी लोग ऐसा जीवन चाहते होंगे जिसमें गरीबी ना हो, दुख ना हो, कष्ट ना हो, स्वास्थ्य हो, आनंद हो, घर में सुख हो, समृद्धि हो, मानसिक शांति हो, तरक्की करें, आपके पास नई नई गाड़ियां आए, सुंदर सा मकान हो रहने के लिए, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जिसमें आप विदेश भी जा सको, है ना? चाहते हो? कैसे आएगा? फेसबुक खोल के बैठ जाओ, दिन भर आ जाएगा। ट्विटर पर कठोर कठोर हिंसात्मक शब्दों में एक दूसरे पर तंज के कंकड़ पत्थर फेंको, आ जाएगा। दिन भर राजनीति की चर्चा करते रहो, आ जाएगा। हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, ये सब करते रहो, दिन भर आ जाएगा। एक फोटोशॉप करके किसी क्रुकेड व्यक्ति ने, किसी धूर्त व्यक्ति ने एक फोटो फेसबुक पर फेंक दिया और आप उससे खेलते रहो, उसके बदले में अलग अलग तरीके के फोटो बना बना के डालते रहो, अपने अपने तर्क डालते रहो, समृद्ध हो जाओगे आप। सवर्ण दलित ये करते रहो, गाड़ी बंगला सब आ जाएगा आपके पास, विदेश यात्राएं खूब होंगी, बड़े प्रतिष्ठित हो जाओगे आप, परिवार का बड़ा नाम रोशन होगा इससे। कभी हनुमान जी का पाव बाबा साहब के ऊपर दिखा दो, कभी बाबा साहब के चरणों में हनुमान जी को बैठा दिखा दो, हो गई आपकी तरक्की, बड़ा सुख मिलेगा आपको, आपके परिवार के लोगों के रोग दूर होंगे, बड़े बड़े अस्पतालों में उनके इलाज हो सकेंगे इससे। फेसबुक पर एक फोटो आ जाएगा और उसमें कहा जाएगा मुसलमान ये कर रहे हैं, लड़ पड़ो आप उनसे, करो खूब गाली गुफ्तारी। एक आदमी चार चार आईडी रचे बैठा है, लड़ते रहो आप उससे, प्रमोशन हो जाएगा सारा आपका, सीईओ बन जाओगे आप कंपनीज के, बड़ी बड़ी बिजनेस सेट हो जाएंगी, आईएएस बन जाओगे उससे, प्रोफेसर्स बन जाओगे, बड़े बड़े वकील बन जाओगे इन सब चीजों से। या फिर कोई 2000 साल पुरानी, 3000 साल पुरानी, 10000 साल पुरानी कोई एक घटना चुन ले, 10000 साल में एक घटना, और उस पर आप पूरे धर्म को ध्वस्त कर दो, पूरी प्रथा और परंपरा पर कंकड़ पत्थर फेंक मारो और उसको कह दो ये सब बेकार है। कितनी तरक्की होगी, आपकी गरीबी इसी से दूर हो जाएगी। मेरी बात बुरी तो लग रही होगी, लेकिन दो तीन सच्चाई आप समझ लो अच्छे से। कुछ लोग सोशल मीडिया पर आपके दिमाग में मैल उतारने का पैसा पाते हैं और वह बड़े मजे में है, बहुत मजे में है, क्योंकि आप लड़ रहे हो, आप जो कमेंट लिख रहे हो, आप जो गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, जो गालियां दे रहे हो, अपने अंदर की जो कुंठाएं निकाल रहे हो, इससे उनको खूब फायदा हो रहा है। आप में से बहुत सारे देशभक्त लोग जो भारत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जय हिंद कहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, वो सभी लोग इन सब चीजों से क्या अपनी देशभक्ति पूर्ण कर लेंगे? क्या आप भारत पर ईंटें फेंक कर अपनी जिंदगी, अपना भविष्य संवार सकोगे? कभी भी नहीं। समाज एक शाख है जिस पर आप बैठे हो, और जब आदमी मूर्खतापूर्ण कार्य करता है तो उसी शाख को काटता है जिस पर वो बैठता है। क्या होगा नतीजा, कभी सोचा है? लेकिन देशभक्ति पूरी कैसे हो? इसके कुछ तरीके हैं, और उसका एक तरीका यह है, देश को पढ़ो, देश को समझो। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, हो सकता है उनकी विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन राष्ट्रहित की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, उन्हें पढ़ो, पढ़ने के बाद सभ्य भाषा में अपनी बात कहो, तब जाके राष्ट्र में क्रांति होगी। अपनी तरक्की के लिए काम करो। देखो बच्चों और युवाओं,
तुम अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो ना। जो व्यक्ति खुद कमजोर और गरीब होगा वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए खुद ताकत पाओ। और कैसे ताकत पाओगे? ये सब काम करके, दिन भर सोशल मीडिया में उन धूर्त लोगों के साथ संवाद कर करके। वो लोग आपको भड़का के अपने बहुत सारे काम निकाल रहे हैं और आप भड़कते फूट रहे हो इधर उधर, जैसे पॉपकॉर्न के दाने होते हैं ना, उसको जब आप तवे पे रखते हैं गरम गरम और पुट 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 वो फूटना शुरू करता है, फिर कुछ लोग उसे पका के खा जाते हैं। ऐसी स्थिति हो रही है बच्चों आपकी। इसलिए हे मेरे युवाओं, चीजों को गहराई से पढ़ो, खुद समझो। बहुत सारी चीजें 10,000 सालों में हुई होंगी, एक निकाली और उसको आपने इधर भी झूठ, इधर भी झूठ, ऊपर भी झूठ, नीचे भी झूठ, सब तरफ झूठ से उसे मढ़कर प्रस्तुत करके हजारों लोगों को बरगलाया। क्यों बरगला रहे हैं? 10,000, 20,000, 5,000, 2,000 साल पहले के इतिहास को उठा उठा के आप बरगला क्यों रहे? आप क्यों दो दो तीन तीन पक्षों की दोस्ती की बात कर रहे हैं? राजनीति है इसके पीछे, सिर्फ राजनीति है। आप किसी भी राजनीति में जाओ, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा, लेकिन आप अपनी विचारधारा को एक बार जांचो, परखो। जिस शाख पर बैठे हो उसको काटो मत, उसमें पत्ते खिले, फूल खिले, बौर आए, फल लगे, ऐसा उस शाख को भी मजबूत करते चलो। नहीं तो आपको बरगलाने वाले कोई गरीब नहीं रहेगा, आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन मगर नहीं होगा।